पसीने की कीमत मुझसे सिवा कौन ज़्यादा जानता है। ये जो एसी में रहना, ये उस पसीने की बदौलत है जिसका सिर्फ एक मकसद था, मेरे पिताजी का, कि मैं पसीना बहाऊं ताकि मेरे बेटे बेटों को पसीना बहाने की जरूरत नहीं पड़े। सच कहता हूं, आपके लिए कोई इतना ही रोएगा जितना आपने पसीना बहाया हो। आज पिता की याद आते ही मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसने मेरे लिए इतना पसीना बहाया है। दिन भर काम करके धूल मिट्टी में वो जब पसीने से नहाकर घर आते थे, उनकी वो सुंदरता, मुझे ऐसा लगता था जैसे शंकर जी ने अपने शरीर पे बस धारण किया हो। इतना बड़ा था मेरा बाप, उसका सिर्फ यही मकसद कि आज मैं पसीना बहाऊं ताकि मेरे बेटों को पसीना बहाने की जरूरत नहीं पड़े। हुआ यही, हम पढ़ लिख कर आगे बढ़े, दोनों ने इंजीनियरिंग किया, अच्छे जॉब को लगे, पिता की सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई। और सिर्फ वो हमारे लिए ही पिता नहीं थे, उसने कितने बेरोजगार लोगों को, व्यसनाधीन लोगों को काम पे लगाया था। एक आदिवासी पहाड़े में जाके वो अपने मजदूर इकट्ठा करता था, जो पत्ते के गेम में बैठे हैं, जुगाड़ के अड्डे पे बैठे हैं, उनको उठा कर लाते थे, काम पे लेकर जाते थे। जो थोड़ा सा पीता था उसको घर जाके उसकी मेहनत की कमाई उसकी पत्नी को देते थे। जो मजदूर काम करते थे उनके बेटों को, बेटियों को, उनकी पत्नियों को बहन की तरह दवा, कोई भी चीजें, कोई भी कपड़े सब लेके खुद लेकर देते थे। आज मेरे घर में तो उनका फोटो है ही। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके घर में उनका फोटो है। तो यही उनकी जो प्रेरणा है, उनका जो कर्तृत्व है, उस कर्तृत्व का मैं उत्तरदायी हूँ। हमेशा जब भी मैं कुछ करता हूँ तो मैं सोचता हूँ, कोई मुझे अमेरिका रिटर्न, कोई मुझे इंजीनियर न बोले, मुझे सिर्फ ये बोले कि ये जयसिंह मोटा का पुत्र है, उसके जैसा ही दिखता है, उसके जैसे ही करता है, इतना ही बोल दो तो भी मुझे बहुत बड़ा पुरस्कार मिलता है। मेरे आंखों के आंसू मेरे उस पिता की निशानी है जिसने जिंदगी भर पसीना बहाया है। ये है पसीने की कीमत। आज मैं पसीना कुछ मेहनत करके, थोड़ा सा एक्सरसाइज करके बहाता हूँ, उसने तो वो जिंदगी की आदत ही बना ली थी।
उसने तो वो जिंदगी की जरूरत ही बना ली थी, कितनी कम जरूरतें थी उसकी। चौथी पास थे, बिना मांगे थे, किसने इतनी अपेक्षा की नहीं थी उनसे कि वो बहुत बड़ा कष्ट करे। वो ऐसे ही जी जाते बिना माँ के, बेचारों की तरह बच्चों को ऐसे ही रख जाते 10वीं 12वीं पास करके, तो भी उनको कोई टोकने वाला नहीं था, उनसे किसी की इतनी अपेक्षा नहीं थी। पर उन्होंने खुद से ही यह शपथ ली होगी, वो सेवा की। क्यों क्यों आ जाते हैं ऐसे लोग जो बिना खुद का विचार किए हुए। सारी बातें याद करूंगा तो और भी रोना आएगा। कॉलेज में फीस देने आते थे साइकिल पर, एक बार तो वो प्यारा गांव के 50 रुपए के चप्पल भी नहीं थे उनके पास। क्यों इतना बड़ा संकल्प कैसे ले लेते, खुद का विचार न करते हुए। तो ये है मेरे लिए पसीने की कीमत, हमारे